देखिए, जो नाफरमान औलाद है अपने माँ बाप की, हम उनसे कहना चाहेंगे, हम उनसे अर्ज करना चाहेंगे कि औलाद वालिदैन की नाफरमानी ये कोई मामूली गुनाह नहीं, ये कोई मामूली गलती नहीं। बिल्कुल, वालिदैन की नाफरमानी बहुत बड़ी गलती है। प्यारे नबी फरमाते हैं कि वालिदैन की खुशनुदी में रब की खुशनुदी है, वालिदैन नाराज हैं तो अल्लाह ताला नाराज है। और नाफरमान औलाद के लिए ये अजीम हदीस मैं सुना देना चाहता हूँ कि प्यारे नबी फरमाते हैं कि और सारे गुनाह हैं, उनकी सजा दुनिया में मिले ना मिले आखिरत में मिलेगी, या अल्लाह चाहे तो वो गुनाह माफ करेगा। लेकिन इस दुनिया में दो गुनाह ऐसे हैं, उन गुनाहों की सजा आखिरत से पहले दुनिया में जरूर मिलकर रहती है। दो गुनाह ऐसे हैं कि जिनकी सजा आखिरत से पहले दुनिया में जरूर मिलकर रहती है, एक है माँ बाप की नाफरमानी और दूसरी है जुल्म। किसी पे जुल्म ना करो और अपने माँ बाप को तकलीफ ना दो, माँ बाप की नाफरमानी ना करो। अगर नाफरमानी करते हो तो रब की पकड़, रब की गिरफ्त, रब की सजा के मुंतजिर रहो, वो सजा आखिरत से पहले दुनिया में आकर रहेगी। सिद्क दिल से तौबा करनी चाहिए ऐसी नाफरमान औलाद को। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके।